Hello everyone. Yesterday we had discussed that we'll be doing some problems which are given in NCERT and which has to be derived and solved here. So NCERT में जो भी problems examples दिए हैं, they make a foundation of yours to solve the other exercises problems. So both of these problems are based on the Newton's second law of motion. What? Newton's second law of motion. ठीक है भाई, ये जो दोनों problem है ये Newton's second law of motion पे based है. Newton's second law of motion क्या था? अगर हमें याद हो तो Newton ने बोला कि the rate of change of the momentum is proportional to the unbalanced force applied on the body. किसी भी बॉडी पे जितना अनबैलेंस्ड फोर्स है उसी के प्रोपोर्शनली उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा. मतलब मोमेंटम का जो भी चेंज होने की दर है, मतलब टोटल चेंज डिवाइड बाय टोटल टाइम, प्रति सेकेंड, पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम जितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वही वो किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के प्रोपोर्शनल. फोर्स ज्यादा तो चेंज ज्यादा, फोर्स रेट ऑफ चेंज ज्यादा और फोर्स कम तो रेट ऑफ चेंज कम. ये क्वेश्चन है क्या है कि विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग, नंबर वन 2 केजी टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 केजी टू 5 केजी के ब्लॉक. उसने क्या पूछा आपसे? उसने ऐसा पूछा कि भैया मेरे पास ना एक 2 केजी का ब्लॉक है, ओके, और एक मेरे पास कितने का है? 4 केजी का ब्लॉक है. ठीक है, मुझे इसको एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है और इसे a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से एक्सेलरेट करना है. दोनों में से मुझे किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किस सिचुएशन में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो भाई सिंपल, F क्या है? F इज m इनटू a, यही तो है. तो F क्या है? 2 इनटू 5, मतलब कि पहले केस में आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, एकदम क्लियर है. पहले केस में आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है. दूसरे में भी देख लेते हैं भाई, F इज इक्वल टू m इनटू a, तो क्या आ गया यहां? ये 4 केजी है और एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड. तो आपको यहां पे 8 न्यूटन का फोर्स लगाना है. तो विच इज मोर? तो 10 न्यूटन इज मोर देन 8 न्यूटन. तो किसमें आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा? 2 केजी के ब्लॉक को अगर मुझे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो जो पहला ऑप्शन है 2 केजी टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर. 2 केजी 2 केजी के ब्लॉक को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करने के लिए आपको 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए. इज इट क्लियर? इजंट इट अ एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन? ओके, सो ये था एग्जांपल 9.2. नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल 9.3. अब 9.3 साहब क्या कहते हैं? 9.3 साहब आपको ये कहते हैं कि एक ना कार है, एक कार में अपने स्पीडोमीटर देखा ना, स्पीडोमीटर ये अभी आप अपनी कार चला रहे हो तो अलग अलग स्पीड होती है ना, अलग अलग स्पीड होती है. मान लो ये 60 है, ये 100 है, ये 110 है, 120 है, 200 है, अलग अलग डिफरेंट कार्स. किसी के पास मारुति 800 है तो वो तो साहब 100 के पार नहीं जाएगी. अब किसी के पास फॉर्च्यूनर है तो वो 200 तक चली जाएगी. खैर, उसने ये बोला कि
उसकी आपकी जो कार है ना वो 108 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ रही है। कोई 108 किलोमीटर पर स्पीड से पर आर की स्पीड से सड़क पे दौड़ रहा है, ठीक है भाई, पहली बात आ गई। फिर उसने ये बोला कि प्लीज कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्रेक। अब अचानक से आपने ब्रेक लगाया, आपको सामने अपना दोस्त दिख गया, उससे कुछ बात करनी, यू हैव अप्लाइड द ब्रेक। सो ही इज सेइंग दैट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक द कार स्टॉप्स इन 4 सेकेंड्स। आपने जब अभी ब्रेक लगाया तो 4 सेकेंड के बाद आपकी कार रुक गई, ठीक है। कह रहा है कि अगर आपकी कार का वजन विद पैसेंजर जो ड्राइवर है जितने भी लोग, टोटल वजन 1000 kg है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस में एक बात बहुत कॉमन है, वो ये बोलेगा कि टायर और जो जिस सड़क पे वो चल रहा है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो है नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब जीरो है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर अनबैलेंस फोर्स जीरो नहीं हुआ देन द सिचुएशन विल, अगर फ्रिक्शन भी अगर उसमें बीच में अपना रोल आने लगा तो आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, वो भी अनबैलेंस फोर्स में एक नया आदमी आ जाए। अभी अनबैलेंस फोर्स क्या है, सिर्फ एक है जो ब्रेक के कारण लग रहा है, वो कौन लग रहा है वो भी हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल को हम करते हैं। हमें क्या दिया हुआ, हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, वो क्या है 108 किलोमीटर पर आवर। अब अगर किसी को इसको, क्योंकि आपके पास टाइम सेकेंड्स में है तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो क्या होता है 108 इंटू 5 बाई 18। 5 क्यों होता है भाई, यहां 1000 और यहां 3600, ओके। सो 18 6 जा 108, सो व्हाट इज दिस, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी इज व्हाट, ब्रेक लगाने के बाद रेस्ट पे आ गया ना, जीरो हो गया भाई। मास क्या है पूरे सिस्टम का, मास है 1000 kg। आपको फोर्स निकालने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, एफ इज वॉट, एम इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। मुझे एक्सेलरेशन एम मुझे दिया हुआ है, मुझे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाई टोटल टाइम, वो क्या है 0 - 30 / 4, दिस इज व्हाट, दिस इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी क्या माइनस का, माइनस का क्यों, क्योंकि ब्रेक लग रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ अगर कम हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को कम कर रहा है, मतलब कि फोर्स उसके अगेंस्ट लग रहा है, उसकी जो गति की दिशा है उसके कार यू जा रही है, ब्रेक लगा तो फोर्स इधर लगेगा तभी तो कार की स्पीड कम होगी भाई, ओके। सो एफ इज व्हाट, फोर्स इज व्हाट, 1000 × 7.5, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है भाई। आंसर क्या है 750 न्यूटन, वो भी किसका, माइनस का। माइनस का मतलब क्या है, आंसर इज 750 न्यूटन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ कार्स इनिशियल वेलोसिटी। बाद में तो वो थम के जीरो ही हो गई, लेकिन 750 न्यूटन का लगातार फोर्स अगर उसके ऊपर लगता रहेगा 750 न्यूटन का, तो वो 4 सेकेंड के बाद कहां आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स।
We will be doing other examples also in coming sessions. Thank you.